सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे हमारे टॉपिक मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मींस इलेक्शन की जो इलेक्शन होती है, जो निर्वाचन होती है, उसकी रीति कि इलेक्शन किस तरीके से होती है। सो मैनर ऑफ इलेक्शंस, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्शन किस तरीके से होती है प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये इलेक्शन किस तरीके से होती है, निर्वाचन की नीति किस आर्टिकल में दिया हुआ है, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है, कौन से अनुच्छेद में। दैट इज आर्टिकल 55 इज टेलिंग अस अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन। तो किस तरीके से होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते। तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि इलेक्शन जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। तो हमें इस चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है कि किस तरीके से होती है। तो पहले हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड द सेकेंड वन हियर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये तो मैंने मेथड की बात की कि किस तरीके से होती है, और यहाँ पे मैंने बात की कि इनडायरेक्ट होती है, मतलब डायरेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे सम ऑफ द मेंबर्स आर देयर, दैट इज मेंबर ऑफ एमएलए एंड एमपी, यही इनको वोट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट होती है एंड ये सीक्रेट वोटिंग भी होती है, मीन सीक्रेटरी होती है, सबको बता बताया नहीं जाता है। इट इज समथिंग विच हैवन क्लोज्ड सीक्रेट, सीक्रेट वोटिंग। तो मेथड कौन सा होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। द मेथड इज नोन एज प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मेथड। ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड एंड देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पहले तो इसकी हिंदी जान लेते हैं कि इसका मतलब होता है एकल संगणनीय पद्धति। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो किसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहले ही मैंने बता रखा है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो एमएलए एंड एमपी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस किन का होना चाहिए, एमएलए एंड एमपी। तो एमएलए और एमपी की जो वोट है, जो वोट वैल्यू होती है क्या, तो वोट वैल्यू वो क्या होगी, सेम होगी। ओके, ये सेम होती है, ये हमने जाना एमएलए और एमपी की। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड मीन्स ये होता है। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसका क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट को विन करने के लिए, प्रेसिडेंट को जीतने के लिए जो उनकी टोटल वोट होती है, उसका टोटल वोट का 50% प्लस वन, इतना वोट उनको रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो अगर टोटल वोट उनका 100 है, तो फॉर विन उनको जीतने के लिए कितना वोट चाहिए होता है, इसका हाफ 50% प्लस वन, इतनी वोट उनको रिक्वायर्ड होती है। क्यों, तो जीतने के लिए, विनर को, फॉर बीइंग प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में यही होता है कि कोई इलेक्शन होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊं कि कोई कंटेस्टेंट है यहाँ पे, कंटेस्टेंट हमारे यहाँ पे ए बी सी एंड डी है। तो अगर टोटल वोट, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि टोटल वोट यहाँ पे 100 है, तो मुझे इस 100 को इन फोर कैंडिडेट में डिवाइड करना है।
तो यहाँ पे जिस तरीके से लोग वोट देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ए बी सी एंड डी हैं, इतने मेंबर्स हैं इस तरीके से, और अगर एक पर्सन है, लेट्स सपोज टेक राम, इसको अगर वोट देना है तो ये 1, 2 एंड 3 एंड 4 इस तरीके से, तो वो अपना प्रेफरेंस कहाँ दे रहा है? अगर उस आ, वो अगर ए अगर वो ए को वोट दे रहा है 3 पे 3 नंबर पे यहाँ पे, एंड वो बी को प्रेफरेंस रख रहा है 2nd पे, एंड सी को अगर वो प्रेफरेंस 1st पे रख रहा है, एंड डी को वो रख रहा है लास्ट पे, तो इसका मतलब यही होता है कि जिसकी वोट जहाँ पे, जैसे कि इसने प्रेफरेंस लो दी यहाँ पे डी को, तो इसमें क्या होगा कि इसके पास कम वोट आएंगे, तो कम वोट आएगा तो फिर क्या होगा कि इसके जो वोट वैल्यू है वो कम आ गया, तो जो सबसे कम है तो इसको बाहर कर दिया जाएगा, और इसकी जो वोट वैल्यू आती है उसको सब में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, जैसे कि 100 टोटल है, और इसने डी को जो प्रेफरेंस दिया है वो सबसे लो दिया है, मतलब बहुत कम दिया है। कितना दिया है वो यहाँ पे, लेट अस टेकिंग एन एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको 30 दिया, 40 एंड 20 एंड 10, तो जैसे कि इसने इसको 10 वोट दिया, तो इसको सबसे लो है, डी को सबसे कम है, तो डी की जो वोट वैल्यू है, डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इनमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि उसको जीतने के लिए 50+1 चाहिए, 50% प्लस 1, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी तो यहाँ पे इसको ऐड करके वहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, इट्स 42 एंड देन 36, फिर भी यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे 3 बचे ए बी सी, तो अब हमें किसको प्रेफरेंस देना है वो देखेंगे, 2nd प्रेफरेंस किनको जाएगा, तो यहाँ पे फिर से जो लोग जिनको कम आ गया, जिनको कम वोट आया है, उसको फिर यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इनकी जो वोट है इसको फिर से क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सब में। तो यहाँ पे हम सिंगल एक एक को ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इनकी वोट को, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल, मीन्स लास्टली तो एक बचेगा जिनको 50+1 वोट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिनको कम वोट आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, सिंगल ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मतलब वोटिंग को प्रेफरेंस के बेसिस पे डाल रहे हैं, जिनको प्रेफरेंस ज़्यादा है एट लास्टली वही जीतते हैं। तो 22 आ गया, तो इसको भी हम इनमें डिवाइड करते हैं, इन दोनों में, दैट इज ईयर 12 एंड देन 10, ये हम लोगों ने किया, इसको ऐड करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा आता है 46 देन 54। अब हमें यहाँ पे क्या दिखा कि ये जो बी वाला बंदा है 54 जिसके वोट है, दैट इज 50+1, तो ये यहाँ पे हो जाता है विनर, और ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत जाता है, और यही ये कैंडिडेट फिर विनर बन जाता है। तो ये जो ए वाला था इसका 46 आया, मीन्स 46 50+1 के जितना नहीं आया, इसलिए ये फिर इस सिलेक्शन से आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रेफरेंस के बेसिस पे यहाँ पे वोटिंग होती है, और सिंगल वोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, तो इसका मतलब आई होप समझ आ गया होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये अब यहाँ पे इसका मतलब, जैसे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है एमएलए और एमपी की जो वोट है वो वैल्यू सेम, तो वो वैल्यू सेम कैसे आएगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम जानेंगे कि एक 1 ML की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ML, तो वो होती है हमारी, इसकी इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब एक स्टेट टेकिंग एग्जाम्पल से आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एपी आंध्र प्रदेश दे देते हैं, बाय स्टेट, वो जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, इसकी जो विधानसभा है उनके इलेक्टेड मेंबर, मीन्स आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर,
इंटू 1/1000 इस तरीके से. तो बाय टेकिंग एन एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉपुलेशन इसकी टोटल है 50,000 एंड जो आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो इलेक्टेड मेंबर है वो है 20 इंटू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1/1000. तो इसे एंड देन हमारा क्या बचता है जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे हमारी 1 ml की. यहाँ पे वन एम एल इसकी वैल्यू 10. मैं एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे डेसिमल में ऐसे काटने के बाद आ जाते हैं तो यहाँ पे हम 10 लेके चलते हैं क्योंकि ये बस एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एमएलए की वैल्यू हमारी 10 आ गई. अगर हमें टोटल एमएलए की वैल्यू चाहिए टोटल एमएलए की वैल्यू तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने 1 ml की वैल्यू 10 निकाली मैंने एग्जांपल देख के. तो अगर हमें टोटल एमएलए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे जो 1 ml की वैल्यू है 1 ml की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी विधानसभा है उस स्टेट में तो 20. इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1 की वैल्यू हमारी 10 आई है 10 ml. 1 की वैल्यू 10 है एंड 20 लेजिस्लेटिव असेंबली थी आंध्र प्रदेश की. तो आंध्र प्रदेश की जो टोटल एमएलए की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 200. दिस इज द एमएलए की वैल्यू ऑफ आंध्र प्रदेश. ये हमने एमएलए की वैल्यू निकाली. अगर मैं एग्जैक्ट डाटा बताऊँ आपको तो वो है हमारी मतलब पूरे स्टेट की टोटल स्टेट की टोटल एमएलए वैल्यू तो वो है हमारी 549 दिस इज द टोटल एमएलए वैल्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ द टोटल स्टेट्स. ये आ गया हमारा विथ यूनियन टेरिटोरीज मतलब जो हमारे 28 स्टेट हैं एंड विधानसभा तो बस 3 यूनियन टेरिटोरीज में है. तो इस दोनों को मिला के जितने भी एमएलए आते हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इतने हैं. तो अगर मुझे यहाँ पे एक एमपी की वैल्यू निकालनी है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज टोटल विधानसभा इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली. तो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं टोटल जो कि हमने यहाँ पे निकाला अभी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर इनकी वोट वैल्यू जो अभी हमने निकाला है यहाँ पे कि मतलब जितने भी विधानसभा हैं उनकी जो वोट वैल्यू आई है दैट इज इतना 549 बाई लोकसभा एंड राज्यसभा इनके क्या तो इनके इलेक्टेड मेंबर ये आते हैं. दिस इज 1 ml. तो 1 ml की क्या वैल्यू होती है 1 ml की दैट इज टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है टोटल उनकी वोट वैल्यू बाय लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर. तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो दैट इज टोटल वैल्यू यहाँ पे मैंने ऊपर निकाल रखा है दैट इज 549495 बाई लोकसभा में कितनी टोटल सीट्स होती हैं दैट इज 543 एंड राज्यसभा में 223 सीट्स होती है. तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे तो 549495 बाई 776 इसको अगर मैं कैलकुलेट कर करूँगी तो हमारा आंसर आता है 708. तो ये हमारा क्या आ गया 1 ml की वैल्यू 1 ml की वैल्यू मैंने निकाली 1 ml की वैल्यू तो वो कितना आया 708. और अगर मैं टोटल एमपी की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना आएगा टोटल एमपी की वैल्यू तो वो हमारा आएगा 1 ml की वैल्यू इनटू लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो यही होते हैं ना लोकसभा प्लस राज्यसभा तो इलेक्टेड मेंबर
तो जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है अभी, दैट इज लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, वो कितने हो गए 776। ये 776 और ये जो वैल्यू अभी आई दैट इज 708, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है दैट इज टोटल एमपी, टोटल टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो वोट वैल्यू है दैट इज 549408, दैट इज 549408। ये क्या आ गया हमारा टोटल एमपी की वैल्यू। तो जो हमारा टोटल एमपी की वैल्यू आ रही है और टोटल एमएलए की वैल्यू, इनको अगर हम ऐड कर देते तो हमारी टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एंड एमपी आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे टोटल टोटल वोट वैल्यू किनकी है, एमएलए एंड एमपी की निकालूँ, एमएलए एंड एमपी की, तो वो कितनी आएगी, जैसे कि मैंने पहले निकाला था 549495, 549495 प्लस दिस इज 549408, इनको ऐड करने पे हमें कितना आंसर आता है दैट इज 1098903, दिस 1098903। ये क्या है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए एंड एमपी, ये हमने निकाला। अब मुझे निकालना है कि एक विनर विनर बनने के लिए या फिर एक इलेक्शन उस कैंडिडेट को जीतने के लिए कितनी वोट चाहिए होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे 50+1 इतना चाहिए होता है, तो इसकी टोटल इतनी है तो इसका हाफ करना होगा 1098903। ओके 1098903 जो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एंड एमपी, इसको हाफ करके इसके बाद इसमें प्लस वन, जो कि इसका फॉर्मूला था कि मतलब 50% प्लस वन आना चाहिए, तो इसको करने के बाद जो हमारा आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी द वोट वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड द कैंडिडेट टू बिकम द प्रेसिडेंट और टू बिकम विनर। तो दिस विल, तो ये था हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन, कि एक इलेक्शन कैंडिडेट को इलेक्शन में, इलेक्शन किस तरीके से होती है कैंडिडेट की, मीन्स निर्वाचन की रीति, ये हम लोगों ने जाना। इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है, और इसके बारे में आर्टिकल 55 में इसको डिस्कशन किया गया है। So I hope you all have got these all the points. So thank you everyone.